क्या प्रभास जैसा होगा यश का भी हाल? कैसे हालात हैं केजीएफ के लोगों के माइंड्स बंद होने के बाद? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 1981 के दशक में सेट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 ने आते ही काफी हंगामा मचाया, जिसके बाद फिल्म के हीरो यश की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई। ऐसे में अब इस फिल्म का आ रहा है दूसरा पार्ट, अगले महीने 14 अप्रैल को आ रहा है, जिसे देखने के हर तरफ से लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि हिंदी इस बार केजीएफ 2 के साथ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सीन ना हो जाए, क्योंकि हाल ही में अभी आई फिल्म प्रभास की फिल्म राधे श्याम, जिसका बजट, हीरो की फीस, डायरेक्टर और फिल्म का बज देख के बिल्कुल भी किसी ने ये अंदाजा नहीं था कि फिल्म एवरेज प्रदर्शन करेगी। अब राधे श्याम के बाद कुछ जनता थोड़ी डाउट में आ गई है और उनका कहना है कि प्रभास जैसे यश का हाल तो नहीं होने वाला। तो आपको बता दें कि इसके चांसेस वैसे तो काफ़ी कम है, क्योंकि केजीएफ 1 जो इसका पिछला पार्ट रहा है उसको देखने के बाद सीक्वल पर कोई कमी नहीं रहना चाहेंगे डायरेक्टर। लेकिन फिर भी असल में क्या होता है ये तो 14 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी ओर आप सबने फिल्म केजीएफ के लोगों के उस समय के हालात देखे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसके बाद अब वहाँ के लोगों की हालत कैसी है। दरअसल केजीएफ बंद होने के बाद बेरोजगारी में कमी तो वो देखने को मिली और लोगों की हेल्थ पर भी इन सब का काफ़ी भारी असर पड़ा, लेकिन इसी के साथ वो के लोगों को रोज़मर्रा जीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। अभी की केजीएफ में 260,000 लोग रहते हैं, लेकिन जॉब की कमी से वहाँ के लोगों को डेली बेंगलोर ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ के एक लोकल इंसान वालारस एम, जो 22 साल के हैं, केवल उनका कहना है कि उनको इतने दूर लेबर वेगस पर काम करने जाना होता है और वो एक साथ दो जगह काम करते हैं और दो दिन बाद अपने घर आते हैं और रेस्ट करते हैं और फिर यही रूटीन फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों का ही हाल नहीं, बल्कि एजुकेटेड लोगों के पास भी करने को जॉब नहीं है और उन्हें भी काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब से माइंस बंद हुई है तब से कोई कंपनी इस एरिया में ऑपरेट नहीं करना चाहती। कुछ लोग ऑटो रिक्शा और छोटी दुकान खोलकर अपना घर चला रहे हैं। जो लोग वहां काम करते थे माइंस ओपन के समय, वो के माइंस के सुपरवाइजर सुब्रमणि का कहना है कि मुझे अब पेंशन के नाम पर सिर्फ 650 रुपए मिलते हैं। BGML ने कहा कि पेंशन बढ़ा दी जाए 3,000 रुपए से, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं ऐसा हुआ। ऐसे में आने वाले पैंडेमिक के बाद अब वहां के हालत और भी खराब हो गई है, जिसके चलते लोगों को फाइनेंशियली काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमें आने वाली फिल्म केजीएफ के लोगों की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब सीक्वल में क्या रॉकी उनके हालात ठीक कर पाता है या नहीं, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।